I am Dr. Deepak Jaiswal, Consultant Physician, Department of General Medicine, Shri Balaji Institute of Medical Sciences, Moa, Raipur, Chhattisgarh. जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैल चुका है और जनवरी के लास्ट सप्ताह में ये भारत में भी प्रवेश कर चुका है. कोरोना की महामारी की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग समय समय पे अपनी नई गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं और उसके नियमों का पालन भी हम सब कर रहे हैं. मैं आज आपको इस समय डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी डायबिटीज़ एक ऐसा क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो लॉकडाउन के वजह से प्रॉपर फॉलोअप, अभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है. तो मैं आपको डू एंड डोंट्स के बारे में, आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊँगा कि जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो सबसे पहले तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं, या फिर कोई भी अदर क्रॉनिक इलनेस है उनको, जैसे हाइपरटेंशन है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, अस्थमेटिक है, या कोई भी और प्रॉब्लम है, ये थोड़ा रूटीन से हटके इन्हें अपना ख्याल रखना है. क्योंकि अभी के समय पे, अभी के टाइम पे जो कोरोना वायरस की जो महामारी फैली हुई है, ये उसी को ही इफेक्ट कर रहा है जिसको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है या जिसकी इम्यून सिस्टम वीक है. तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें, विशेषकर जिन्हें ये सारी क्रॉनिक कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो इन्हें अपना पूरा ख्याल रखना है, अपना पूरा ध्यान रखना है. और इसके लिए आपको ये करना है कि आप हर 3 से 4 दिन में अपना फास्टिंग ब्लड शुगर्स और पोस्ट पैरेंटल ब्लड शुगर्स नापें. फास्टिंग ब्लड शुगर्स आप इजिली घर पे ग्लूकोमीटर पे नाप सकते हैं, जो कि आपको 110 के आसपास मेंटेन रखना है. और खाने के 2 घंटे बाद का शुगर 150 के आसपास आपको मेंटेन रखना है. बहुत सिंपल है, आप अपने घर पे डायबिटिक पेशेंट कर सकते हैं. दूसरा ये है कि आपकी जो भी डायबिटिक ड्रग है, प्री मील है या पोस्ट मील है, उसे आपको लेना है. बिफोर ब्रेकफास्ट है, बिफोर डिनर है, बिफोर लंच है, या बिफोर डिनर है, या इवनिंग में है, जैसा भी आपका जो शेड्यूल प्रिस्क्राइब, जो आपके डॉक्टर्स हैं आपने आपको एडवाइस किए हैं, वैसा आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको ड्रग लेना है. दूसरा, आपको अब क्या करना है डायबिटीज़ के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये लॉकडाउन में आप घर पे ही हैं, तो कोशिश करिए कि डायबिटीज़ के लिए आप रेगुलर, जो भी डायबिटीज़ के मरीज हैं, रेगुलर आप हर दिन पे आपको अपने घर पे, हो सके अगर आपका घर पे ही, आप थोड़ा सा योगा के लिए समय निकालें, थोड़ा वॉक करें घर पे ही, थोड़े लाइट एक्सरसाइज करें. हैवी एक्सरसाइज और स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 30 मिनट आप अपने घर पे ही इन एक्सरसाइज को फॉलो करें, जिससे क्या होगा कि आपके जो भी केमिकल टॉक्सिन्स हैं, जो इंटॉक्सिकेशन है, वो थोड़े रिलीज होंगे, जो अगेन शुगर्स लेवल कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेंगे. दूसरा, आपको डाइट पे ध्यान देना है. आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच हो गया या फैटी फूड हो गया या फिर हैवी स्पाइसी या ऑयली फूड आपको अवॉइड करना है. इसकी जगह में आप फाइबर रिच डाइट अपने डाइट पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खीरा हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, जिससे अपने को विटामिन सी भी मिल सकता है. इस टाइप के फ्रूट्स एंड ऑल आप अवॉइड कर सकते हैं, साथ में बढ़िया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपको अपने डाइट पे इन्वॉल्व करना है. प्लस डाइट को आप लो सॉल्ट ही रखें, कम नमक ही खाएं. उसके बाद फिर जो है महत्वपूर्ण बात ये है कि आप थोड़ा सा जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो मिड ब्रेकफास्ट है, उसको अगर ऐसा लगता है तो उसमें कोई भी ऐसा स्नैक्स ना करें, या लंच के बाद इवनिंग में जो है वो कोई भी हैवी स्नैक्स वगैरह आप ना लें. इससे ऐसा जब बहुत ज़्यादा शुगर फ्लक्चुएशन में नहीं आएगा. दूसरा, आपको है बहुत अच्छे से पानी पीना है, फ्लूड इनटेक आपको बहुत अच्छा रखना है.
कोशिश करिए कि आप 6 to 9 hours प्रॉपर स्लीप रखें। प्रॉपर स्लीप रखने से ये होगा, नींद अच्छी नींद आएगी तो आप सुबह मॉर्निंग पे फ्रेश फील करेंगे, अननेसेसरी हेडेक नहीं होगा। नींद अगर नहीं भी आ रही है तो आप लैपटॉप, टीवी, मोबाइल का उपयोग नहीं करें, क्योंकि इसकी जो ब्लू लाइट्स हैं वो रेटिना को अफेक्ट करता है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। आप हो सके इस टाइम पे तो थोड़ा म्यूजिक सुने या फिर किताबें पढ़ लें, जिससे फिर आपको नींद आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। दूसरा, बार बार न्यूज नहीं देखना है। न्यूज पे बहुत, आप जब भी न्यूज ओपन करेंगे कोरोना की न्यूज आते हैं, तो इससे थोड़ा सा माइंड अनस्टेबल हो सकता है। बहुत सारी डिजीज पर्सन को देख के, बहुत सारी अनइवेंट थिंग्स को देख के, बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स को देख के, उनके साइन सिम्टम्स, कई बार होता है कि आप उसको अपने आप अपने पे अप्लाई करेंगे तो उससे क्या है, निगेटिविटी बहुत आएगी। तो आपको निगेटिव नहीं रखना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को। कोरोना से आज नहीं तो कल हम जरूर लड़ लेंगे, लेकिन इसका अभी तक कोई भी ऐसा सार्थक मेडिकेशन नहीं आ पाया है। जितने भी चीजें हैं सब ट्रायल फेसिस पे है। तो हमको करना क्या है, हमको अपने इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखना है, हमको निगेटिविटी से दूर रहना है, हमको डेली एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर स्लीप स्लीप लेना है, प्रॉपर डाइट लेना है, अननेसेसरी जो डाइट्स हैं उनको अवॉइड करना है, और जो भी भारत सरकार के निर्देश हैं या गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना है। लॉकडाउन का पालन आप लोगों को करना है। लॉकडाउन में आप अपने घर पे ही रहिए, तभी हम इस कोरोना के चेन को ब्रेक डाउन करेंगे। समय समय पे भारत सरकार जो गाइडलाइंस निकाल रहे हैं, जो आप स्वास्थ्य विभाग आपसे जो आग्रह कर रहे हैं, उसको अच्छे से फॉलो करिए। और किसी भी कंडीशन में आपको लगता है कि आपका शुगर अनकंट्रोल हो गया है, या फिर आप और किसी ऐसे चीज से हेल्थ हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज आ गया है, तो उसको ऐसे दबा के नहीं रखना है। नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल में जाके आपको अपने चेकअप कराना है। आपके जो भी रेगुलर डॉक्टर्स होंगे वो जरूर डेफिनेटली फोन पे अवेलेबल है, तो आपको फोन पे उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सोशल डिस्टेंस, घर से बाहर निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है आपको। आपको हर आधे घंटे में साबुन से अपने हाथ 20 सेकेंड्स के लिए धोना है। मास्क, फेस मास्क जो है उसको कंपलसरी गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया है, तो कोशिश करें फेस मास्क लगा के ही निकलें। अदरवाइज आप घर पे ही रहें और हेल्दी रहें, और जितनी भी जानकारी मैंने आपको डायबिटीज के बारे में दिया है उसको आप फॉलो करें। थैंक यू।